जय श्री राम मेरे दोस्तों, आज के अयोध्या की वीडियो में हम आपको श्री हनुमानगढ़ी जी के दर्शन कराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि श्री राम मंदिर में माथा टेकने से पहले श्री हनुमानगढ़ी में माथा टेकना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले हम आपको श्री हनुमानगढ़ी जी के दर्शन कराएंगे। और ये देखिए श्री हनुमानगढ़ी की सुंदर सुंदर दुकानें, राममय के रंग में रंगी हुई अयोध्या, हमारी सुंदर अयोध्या, आपकी और हमारी सुंदर अयोध्या का एक दृश्य, और सामने आप अयोध्या का इतिहास भी देख रहे हैं, यानी कि नई और पुरानी अयोध्या का मिश्रण। तो दोस्तों, सबसे पहले हनुमानगढ़ी में प्रसाद चढ़ता है, राम मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ता है, पर प्रसाद आपको श्री हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दोनों में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये है, सामने आप देख रहे हैं श्री हनुमानगढ़ी जी का एंट्रेंस पॉइंट। मंदिर में जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो मुझे लगी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो सामने आप श्री हनुमानगढ़ी जी का जो बोर्ड देख रहे हैं, ये देखिए लाल रंग में, दोस्तों इसकी खासियत पता क्या है? इसकी खासियत ये है कि आप देखिए 9-10 भारतीय भाषाओं में लिखा हुआ है, पंजाबी, हिंदी, उर्दू और तेलुगु, कन्नड़, ये जो आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुख सुविधा का ध्यान रखा है प्रशासन ने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो 75-76 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं श्री हनुमानगढ़ी के मंदिर के प्रांगण में। तो आप देख सकते हैं राम जी के नाम से फूलों की सजावट की हुई है, चित्रकारी देखिए मंदिर की आप, तो आपको लगेगा कि ये अयोध्या जो हम देख रहे हैं विश्व प्रसिद्ध अयोध्या बन चुकी है, और हमने इसको कैमरे में कैद किया है। आप देख सकते हैं यहाँ से, हमने क्या जो वहाँ पे हर श्रद्धालु आ रहा है सब ने कैद किया। तो यहाँ से देखिए सामने पंडित जी आप देख सकते हैं जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, सामने हमारे हनुमान जी के दर्शन कीजिए आप। तो चित्रकारी देखिए, फूलों की सजावट देखिए कितनी अद्भुत तरीके से की हुई है प्रशासन ने, और प्रशासन पुलिस प्रशासन भी श्रद्धालुओं को बहुत ही सहयोग कर रहा है। तो हमने भी साइड में, जब आप दर्शन कर लो तो आप साइड में खड़े होकर वीडियो बना सकते हैं, प्रशासन ने अलाउ किया हुआ श्री हनुमानगढ़ी में, तो हमने भी बनाई वीडियो। और ये मंदिर के प्रांगण में देखिए हनुमान चालीसा, श्री बजरंगबली जी की आरती लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये मंदिर भी है, ये देखिए, जिसमें कि प्रभु श्री राम जी, माँ सीता जी, लक्ष्मण जी, बजरंगबली जी, ये देखिए हमने कोशिश करी है कैप्चर करने की, थोड़ी सी हो गई है। तो दोस्तों ये मंदिर का जो प्रांगण की पूरी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, हमने थोड़ा पीछे से हट के बनाने, जूम करके बनाने की कोशिश की, और सबसे पहले राम जी के नाम की फूलों की सजावट देखिए, दिल खुश हो गया। दोस्तों वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं, मेरा ये मानना है सभी कैमरे से कैद करते हैं इस अद्भुत पल को, क्योंकि कारण ये है कि ताकि हम आने वाली अपने पीढ़ियों को अपना इतिहास बता सकें, दिखा सकें, ताकि वो भी अपने जो इतिहास से जुड़े रहें। तो ये देखिए मंदिर में जानकारी के लिए साधु संतों महंतों की फ़ोटो भी लगाई गई है जानकारी के साथ, ये देखिए। तो इसके बाद दोस्तों हम मंदिर से बाहर जाते हैं। सबसे पहले हम आपको मंदिर के बाहर जाने वाला जो रास्ता वो भी दिखा देते हैं, ये देखिए बाहर जाने का रास्ता ये सामने, ये देखते हैं यहाँ से बाहर जाते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही मंदिर के गेट पे। सबसे पहले मैं आपको चीज़ दिखाना और बताना चाहूँगा, ये देखिए श्रद्धालुओं की भक्ति देखिए कि बड़ी श्रद्धा से यहाँ घर बनाते हैं छोटे छोटे, ऐसे हमने ही बनाए, क्योंकि हमारा मानना ये है, श्रद्धालुओं का मानना है कि राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से सबके घर बनते हैं, अच्छे बनते हैं, तो हमने ही वहाँ पे एक घर बना दिया था। तो यहाँ से दोस्तों ये बाहर निकलने का रास्ता देख रहे हैं, इसके बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो सुंदर सी अयोध्या का आप ये देखिए दृश्य, ये देखिए। तो दोस्तों जब मंदिर से बाहर निकल रहे थे, सब एक दूसरे को जय श्री राम के, एक दूसरे को जय श्री राम कह के
मुबारकबाद दे रहे थे राम मंदिर के खुलने की खुशी में, एक दूसरे का अभिवंदन कर रहे थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जो एकता की जो भावना दिख रही थी वहाँ पे लोगों के बीच में, कोई अपने पराई की भावना नहीं थी वहाँ पे। तो दोस्तों ये है श्री हनुमानगढ़ी जी मंदिर का टूर वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।